बायो इंडिया की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आज मैं बताऊंगा मानव शरीर में पाए जाने वाले ब्लड के बारे में, जो नीट, पैरामेडिकल तथा अन्य परीक्षाओं के लिए बेहद ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ब्लड, जिसे रक्त या रुधिर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। बायोलॉजी के जिस शाखा में हम ब्लड का अध्ययन करते हैं उसे हीमेटोलॉजी कहते हैं। मानव में ब्लड शरीर के भार का करीब 7.5% भाग होता है। वयस्क मानव में ब्लड का आयतन लगभग 5 से 6 लीटर होता है। ब्लड का पीएच मान करीब 7.4 होता है। ब्लड बनने की क्रिया को हीमोपोएसिस कहते हैं। ब्लड के नष्ट होने की क्रिया को हीमोलाइसिस कहते हैं। ब्लड का निर्माण जहां होता है उसे बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा कहते हैं। ब्लड का वायुमंडलीय दाब वायुमंडल के करीब 7 गुना होता है। ब्लड का लाइफ स्पेन यानी जीवन अवधि लगभग 3 से 4 माह का होता है। टाइप्स ऑफ ब्लड, रक्त के प्रकार। तो ब्लड को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला ब्लड प्लाज्मा, जिसे रक्त प्लाज्मा भी कहते हैं। दूसरा ब्लड कॉर्पसल्स, जिसे रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। हम सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा यानी रक्त प्लाज्मा के बारे में देखेंगे। तो ब्लड प्लाज्मा, यह ब्लड का तरल भाग होता है। यह रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है। इसमें 90% भाग जल तथा 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जब ब्लड प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तब बचे पदार्थ सीरम कहलाता है, जो तैलीय प्रवृत्ति का होता है। दूसरा है ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स, रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं। ब्लड का 1/3 भाग ब्लड कॉर्पसल्स द्वारा बनता है। ब्लड कॉर्पसल्स मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स होता है। इसे एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। आरबीसी में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद में ऊंट तथा लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसका आकार डिस्क शेप्ड यानी चकती नुमा होता है। आरबीसी का लाइफ स्पेन यानी जीवन अवधि लगभग 120 दिनों का होता है। आरबीसी बनने की क्रिया एरिथ्रोपोएसिस कहलाती है, जो कि बोन मैरो अस्थि मज्जा में होती है। आरबीसी श्वसनीय गैसों यानी O2 तथा CO2 के परिवहन में अहम भूमिका निभाता है। आरबीसी के नष्ट होने की क्रिया इराइथ्रोसाइट्स कहलाती है, जो कि एस्पिलिन में होती है। इसी कारण एस्पिलिन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान भी कहते हैं। आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट के कारण होता है। टोटल ब्लड में आरबीसी की मात्रा लगभग 95% होता है। आरबीसी की संख्या एडल्ट मेल में 5 से 5.5 मिलियन प्रति क्यूबिक mm, जबकि एडल्ट फीमेल में 4 से 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm होता है। शिशुओं में आरबीसी की संख्या लगभग 6 से 7 मिलियन पर क्यूबिक mm, जबकि इम्ब्रायो यानी भ्रूण में 7 से 8 मिलियन प्रति क्यूबिक mm होती है। आरबीसी की संख्या में वृद्धि से पोलीसाइथेमिया, जबकि इसकी संख्या में कमी से एनीमिया रोग होता है।
आरबीसी में एंटीजन ए बी ए बी और आरएच फैक्टर पाए जाते हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी रक्त आदान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आरबीसी की संख्या को हीमोसाइटोमीटर यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। दूसरा है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स होता है। इसे ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी को सोल्जर ऑफ बॉडी यानी शरीर का सिपाही भी कहा जाता है क्योंकि यह शरीर को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। यह कलरलेस होता है क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट या रंजक नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन लगभग 90 घंटों का होता है। इसकी संख्या लगभग 5000 से 10000 मिलियन प्रति क्यूबिक एमएम होता है। डब्ल्यूबीसी बनने की क्रिया ल्यूकोपोइसिस कहलाती है। डब्ल्यूबीसी के टूटने या नष्ट होने की क्रिया ल्यूकोलाइसिस कहलाती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या में असाधारण वृद्धि को ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कहते हैं। डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी को ल्यूकोपेनिया कहते हैं। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के प्रकार। डब्ल्यूबीसी को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, ग्रेनुलोसाइट्स। यह खास प्रकार का डब्ल्यूबीसी होता है। इसके साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में दानेदार संरचनाएं पाई जाती है। इसका न्यूक्लियस कई लोब्स में बंटा होता है। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। यह मुख्य रूप से तीन भागों में बंटा होता है। ए नंबर, एसिनोफिल्स। इसे एसिडोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह कुल डब्ल्यूबीसी का 4% भाग बनाता है। यह अमीबा के आकार का होता है। इसका लाइफ स्पेन 14 घंटों का होता है। इसका न्यूक्लियस दो लोब्स में बंटा होता है। इसका साइटोप्लाज्म दानेदार होता है। ये डब्ल्यूबीसी हिस्टामिन का वहन करने का कार्य करते हैं। बी नंबर, बैसोफिल्स। यह टोटल डब्ल्यूबीसी का 0.5% भाग बनाता है। इसकी संख्या बहुत कम होती है। यह सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी होता है। इसका लाइफ स्पेन लगभग 8 से 10 घंटों का होता है। इसका न्यूक्लियस दो लोब्स में बंटा होता है। ये डब्ल्यूबीसी हिस्टामिन, सेरोटोनिन तथा हिपारिन का वहन करने का कार्य करता है। सी नंबर, न्यूट्रोफिल्स। यह टोटल डब्ल्यूबीसी का 62% भाग बनाता है। इसकी संख्या सबसे अधिक होती है। इसका लाइफ स्पेन लगभग 10 घंटों का होता है। इसका न्यूक्लियस लगभग 3 से 4 भागों में बंटा होता है। यह हमारे शरीर का मुख्य फैगोसाइट्स सेल्स होता है जो शरीर को सुरक्षा देने का कार्य करता है। दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट्स। इसका साइटोप्लाज्म स्पष्ट होता है। इसमें दानेदार संरचनाएं पाई जाती है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ए नंबर है मोनोसाइट्स। यह सबसे बड़े आकार का डब्ल्यूबीसी होता है। इसका आकार लगभग 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। यह डब्ल्यूबीसी का 2 से 10% भाग बनाता है। यह अंडाकार या किडनी के आकार का होता है। इसका न्यूक्लियस बड़ा तथा घोड़े के नाल के आकार का होता है। ये हानिकारक कणों और दूसरे जीवाणुओं को निगल कर नष्ट कर देते हैं। इस कारण इसे भक्षी कोशिकाएं भी कहते हैं। बी नंबर है लिम्फोसाइट्स। यह कुल डब्ल्यूबीसी का 30% भाग बनाता है। इसका न्यूक्लियस बड़ा तथा किडनी के आकार का होता है। इस डब्ल्यूबीसी का आकार बहुत छोटा होता है। यह हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।